हेलो एवरीवन, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के फेवरेट पास्ता, लेकिन हम इसे बनाएंगे एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी, बहुत ही आसान बनाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी यम्मी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट पास्ता बनाने के लिए मैंने ले लिए है 1 कप पास्ता। आप कोई भी डिज़ाइन के पास्ता ले सकते हैं, ये मैंने 1 कप लिए हैं। इनको मैंने पहले बॉयल करके तैयार कर लिया है, ये आप देख सकते हैं 1 कप पास्ता को मैंने बॉयल कर लिया है। और 1/2 कप ले लिया है मैंने मिल्क, ये रूम टेम्परेचर पर ही लिया है मैंने। 1 कप पास्ता में 1/2 कप मिल्क, दूध, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ले ली है चीनी यानी कि शुगर, शक्कर, और 2 टेबलस्पून लिया है कोको पाउडर। आप चाहें तो नॉर्मल या फिर डार्क, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हमें चाहिए चॉकलेट सिरप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे मिल्क यानी कि दूध, 1/2 कप दूध, उसमें डाल देंगे चीनी, और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। चीनी जब तक कि इसमें मेल्ट नहीं होती, हमें इसे लगातार उबालना है। ये पास्ता फटाफट से बन जाते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। आप चाहें तो रक्षाबंधन पे बना सकते हैं अपने छोटे भाई के लिए, उसको बहुत ही पसंद आएंगे। और इसमें डाल देंगे उबाल आने के बाद कोको पाउडर, और इसे लगातार चलाना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। कोको पाउडर मैंने यहाँ पर मिल्क वाला लिया है, आप चाहे तो डार्क कोको पाउडर भी ले सकते हैं। और इसमें भी अच्छे से उबाल आए तब तक हमें इसे पकाना है। गैस की फ्लेम बीच बीच में आप लो मीडियम हाई करते रहें, इसे हमें हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाना है। गैस की फ्लेम कम ज़्यादा करते रहें और इसे अच्छे से उबालना है हमें। और ये देख सकते हैं हल्का हल्का गाढ़ापन आने लगा है इसमें। 1/2 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लिया है। और इसमें हम डाल देंगे अब उबले हुए पास्ता। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखें और इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इसे लगातार चलाते रहें ताकि पास्ता के अंदर कोको पाउडर और चीनी का स्वाद अच्छे से मिक्स हो जाए। मिल्क को हमें अच्छे से उबालना है ताकि वो एकदम ख़त्म हो जाए पास्ता के अंदर, हमें एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना है मिल्क को। और अब इसमें हम डाल देंगे चॉकलेट सिरप, 1 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें चॉकलेट सिरप डाला है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है वो पास्ता मिल्क को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एकदम सूखने लगे हैं पास्ता। चॉकलेट सिरप आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते जाएं। और आप देख सकते हैं सारा जो दूध हमने इसमें डाला था वो सारा का सारा सूख चुका है, और ये हमारे ऑलमोस्ट चॉकलेट पास्ता रेडी है। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे, गैस को ऑफ कर लेंगे, और इसे सर्विंग बाउल में निकाल दूंगी मैं। पास्ता रेडी है खाने के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कलरफुल स्प्रिंकल स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहे तो इस पर जेम्स भी लगा सकते हैं, या फिर आपको जो पसंद हो चॉकलेट वगैरह वेफर भी रख सकते हैं। आप इसे या तो गरम गरम खाएं या फिर ठंडा करके भी खाएं। ठंडा करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्पेशली बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे ये पास्ता, चॉकलेट पास्ता। आप ज़रूर बनाएं घर पर, बहुत ही अच्छे बनेंगे। कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको अपने आप ही मिलती रहेंगी।